हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 कराऊंगी। इससे पहले की एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से आप कर सकते हो। चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ये दिए हुए नंबर को हमें क्लासीफाई करना है, कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे हमें दिया है 2 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है जी, हमें पता है कि 2 एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है इरेशनल नंबर। इरेशनल को नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है। ऐसे में क्या आता है? इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर है। आपको प्रॉपर्टी याद रखने की ज़रूरत है, मैं यहाँ बता देती हूँ। अगर एक रैशनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है इरेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर आता है, रैशनल नंबर में ऐड हो रहा है इरेशनल नंबर तो भी इरेशनल नंबर आता है, रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है इरेशनल नंबर तो भी इरेशनल नंबर आता है, और रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहा है इरेशनल नंबर तो भी इरेशनल नंबर आता है। ओके, यहाँ पे मैंने रैशनल नंबर को आर और इरेशनल नंबर को एस से रिप्रेजेंट किया है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, चलो अभी आगे करते हैं। सेकंड वाला पार्ट देखिए, देखने पर ये इरेशनल नंबर नज़र आएगा। देखो, एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड कर रहे हैं, बट हम इसका ना ब्रैकेट सोल्व करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ब्रैकेट ऑपरेट कर देते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। देखो, पॉजिटिव अंडर रूट 3 और नेगेटिव अंडर रूट 3 आपस में कट जाएंगे, ये ज़ीरो हो जाता है ना। 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3, और 3 हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ आ गया एक रैशनल नंबर है ये। ओके जी, थर्ड वाला पार्ट करते हैं। यहाँ हमें दिया है 2 इंटू अंडर रूट 7 डिवाइड बाई 7 इंटू अंडर रूट 7। यहाँ पे अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा, हमारे पास 2/7 आएगा और ये एक रैशनल नंबर है। फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। 1 हमारा एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल नंबर से, तो क्या आता है क्वेश्चन पे हमारे पास? इरेशनल नंबर, दैट्स व्हाई ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, 2 हमारा रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इरेशनल नंबर, तो क्या आता है प्रोडक्ट में? इरेशनल नंबर, दैट्स व्हाई ये एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू इरेशनल होती है। ओके, देखो 22/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये डिवीज़न कभी भी ख़त्म नहीं होता, इस वजह से पाई हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। हमें जो भी एक्सप्रेशन दी है उनको सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट देखो, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही, तो जैसे हम बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते थे ना, वैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोगों को याद ही होगा बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते थे, पहले वाला नंबर लेंगे इसका और पीछे वाला ब्रैकेट एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2, ब्रैकेट क्लोज्ड। अभी प्लस का साइन है तो प्लस का साइन और अंडर रूट 3 लिखेंगे, इससे वापस से पीछे वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है? 6। देन प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 अंडर रूट 2। ओके, देन प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, अंडर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आएगा। ओके, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बनाते हैं? अंडर रूट 6। ओके, ये इतना ही सिंप्लीफाई
हो सकता है। दूसरे वाला पार्ट करेंगे अभी हम। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रही हैं ए माइनस बी से। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आता है, ऐसा होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही आता है। तो हमारे पास है थ्री प्लस अंडर रूट थ्री, इसको मल्टीप्लाई कर रही हैं थ्री माइनस अंडर रूट थ्री से। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, थ्री का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। थ्री थ्री ज़ा नाइन होता है और अंडर रूट थ्री को अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आता है ना, नाइन में से थ्री गया तो सिक्स हमारा आंसर आता है। ये यहाँ तक सिंप्लीफाई होगा। ओके, थर्ड वाला पार्ट करते हैं। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगी है। अगर ऐसा होता है तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही आता है ना हमारे पास। तो यहाँ पे हमें दिया है अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट फाइव का स्क्वायर। ए अंडर रूट फाइव है ना, बी क्या है अंडर रूट टू, तो यहाँ पे हम करेंगे अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट टू। ओके, ये स्क्वायर से अंडर रूट का साइन कट जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास फाइव प्लस टू और अंडर रूट टू और अंडर रूट फाइव आपस में मल्टीप्लाई होके अंडर रूट टेन बना देते हैं। फाइव और टू को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेवन, सेवन प्लस टू अंडर रूट टेन, ये हमारा आंसर आता है। अभी कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सेवन को टू के साथ ऐड क्यों नहीं किया गया। देखो ये लाइक टर्म्स नहीं है, सेवन एक होल नंबर है और टू के साथ अंडर रूट टेन लगा हुआ है, ठीक है। वाला पार्ट करते हैं, यहाँ भी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी से। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हम करने वाले हैं। हमें दिया गया है अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू को मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू से, ये इसके इक्वल होगा ए स्क्वायर। ए क्या है, अंडर रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे देन माइनस का साइन लगाएंगे, बी क्या है अंडर रूट टू, इसका भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से ये अंडर रूट का साइन हट जाता है, फाइव माइनस टू हमारे पास आता है, माइनस करेंगे तो थ्री आंसर आ जाता है। क्वेश्चन थ्री देखिए, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ द सर्कल टू इट्स डायामीटर, जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ में दे रखा है पाई इक्वल है सी अपॉन डी, यहाँ पे सी सर्कमफ्रेंस है और डी डायामीटर है सर्कल का। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिसोल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। ये कहीं ना कहीं गलत ठहरा रहा है इस फैक्ट को कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, और आप इस गलतफहमी को कैसे दूर करोगे, ठीक है। हमें सिर्फ पाई इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर दिया हुआ है, ना तो ये बताया गया कि सर्कमफ्रेंस हमारा रैशनल है या इरेशनल है, और ना ही ये बताया गया है कि डायामीटर हमारा रैशनल नंबर है या इरेशनल है। अगर इन दोनों में से एक भी इरेशनल नंबर है तो पाई भी हमारा इरेशनल नंबर हुआ। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। हम लिखेंगे देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। हेयर यहाँ पे या तो हमारा सी या फिर डी कोई सा भी इरेशनल हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे आइदर सी और डी इज इरेशनल, देयरफॉर पाई इज आल्सो इरेशनल।
अगर सी या डी में से कोई भी एक इरेशनल है तो पाई भी इरेशनल होगा। आपका डाउट और थोड़ा सा क्लियर करूं तो हमें पाई इक्वल दे रखा है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और डायमीटर क्या होता है, 2r होता है ना। देखो 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, पाई इक्वल है पाई, और पाई की वैल्यू इरेशनल होती है, तो यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। और इस तरह के क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते, बस आपका माइंड सेट करना होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 0 से 9.3 तक मार्क कर लेते हैं। 9 ये रहा, 1, 2, 3 यहाँ तक मार्क किया, और 0 से यहाँ तक एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। देन इसके बाद आप एक यूनिट और, मतलब 10.3 तक लाइन को आगे बढ़ाएंगे। इतना करने के बाद में आप कंपास लोगे और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। ये है यहाँ तक हमारा 9.3, यहाँ तक, और ये है 1 यूनिट, ठीक है। अभी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। आप कंपास को हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करोगे और ऐसे आर्क लगाओगे, इस वाली साइड से भी और इधर वाली साइड पे रख के इधर से भी। ये आर्क कट नहीं हुई, यहाँ से वापस से रखेंगे, ओके। अभी जो पॉइंट मिला है इनको हम डार्क कर देंगे और इनको मिला देंगे। एक रफ लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसको हम टूटी वाली लाइन नहीं बोलते हैं, ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है, ठीक है। अब कंपास को यहाँ पे रख के और यहाँ तक खोलेंगे, सेमी सर्कल हम लोग ड्रॉ कर देंगे। अभी इस वाले पॉइंट पे इसका हम नाम रख लेते हैं ओ पॉइंट। ओ पे आप 90° का एंगल बनाओगे। आप लोग प्रकार से भी बना सकते हो या फिर डी यूज़ करके बना सकते हो। लेकिन अगर डी यूज़ करके बनाएं तो यहाँ पे 90° का एंगल बनेगा, ऐसे मार्क करके बाहर की साइड, और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे, ओके, इस तरह से। और मैं आपको प्रकार से भी बनाना सिखा देती हूँ। प्रकार से बनाना भी बड़ा इजी है। आर्क लगाएंगे पहले इस वाले पॉइंट से, आर्क को ऐसे काटेंगे और इस वाले पॉइंट से भी आर्क को काटेंगे, देन वापस से इस तरह से एक और आर्क काटेंगे। ये हमारे पास आएगा 90° का एंगल। लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये जो ओ से एम तक की लाइन है ना, इसको हम बता सकते हैं ये है अंडर रूट 9.3, ओके। और इसको बिल्कुल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, ओ से आगे बढ़ा दो लाइन को, ठीक है। यहाँ पे 1 तक तो हमने मार्क कर ही रखा था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये भी मार्क कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक तो 1 था, यहाँ से ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। यहाँ पे ये 0 हमने माना, यहाँ से नंबर लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जहाँ पे ये 0 है ना, उस पे हम प्रकार को रखेंगे और M तक खोलेंगे। M तक खोलने के बाद में हम इसको ऐसे आर्क लगा देंगे। ये जो आर्क जहाँ पे कट करती है, ये हमारा है अंडर रूट 9.3, यहाँ से यहाँ तक का, ओके।
जहां आर्क कट करती है। क्वेश्चन फाइव करते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्लोविंग। हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। फर्स्ट पार्ट में दिया है 1/√7, इसका मतलब ये है कि हमें नीचे से अंडर रूट का साइन हटाना है, उसको रैशनल नंबर के रूप में लेके आना है, ठीक है। 1/√7, इस 7 का अंडर रूट का साइन हटाने के लिए इसको हम अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे हमने अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर आएगा अंडर रूट 7 और नीचे 7, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो गया, यहीं तक करना है। सेकेंड वाला पार्ट कहते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर दिया है ना नीचे उसी से करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो जब भी प्लस माइनस का साइन आ जाता है तो अगर यहाँ माइनस का साइन है तो हम प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये जो नीचे वाला नंबर है ना वो एक प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए। ओके, इक्वल का साइन लगाएंगे, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और नीचे हमारे पास आएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। ओके, देखो नीचे हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन चुकी है, a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करके करेंगे अब, दैट्स वाई नीचे जो है डिनोमिनेटर के रूप में क्या आएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वेयर। ऊपर जो दिया हुआ है एज इट इज़ हम लिख देंगे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। देखो स्क्वेयर के कारण ये अंडर रूट का साइन हट जाएगा। आगे करें इसको तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 7 माइनस 6, और 7 में से 6 को माइनस करते हैं तो 1 बचता है, और 1 डिनोमिनेटर के रूप में लिखा नहीं जाता, इसलिए आंसर क्या आता है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये हमारा आंसर आता है। ओके, थर्ड वाला पार्ट करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5। देखो यहाँ प्लस का साइन है तो इस बार हम माइनस का साइन लेंगे, माइनस अंडर रूट 2 और नीचे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, नीचे हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से। जो लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हो रही है, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी से, तो क्या आता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नीचे का काम करते हैं पहले, अंडर रूट 5 का स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वेयर, स्क्वेयर के कारण ये अंडर रूट का साइन कट जाएगा, ऊपर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 रह जाएगा। आगे करते हैं, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2। आगे करें, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 5 में से 2 चला जाता है तो यहाँ पे हमारे पास 3 बचता है, ये हमारा आंसर आता है। ओके, पार्ट करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7, इस बार क्या साइन आएगा, देखो यहाँ माइनस का साइन था तो हम प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 7 प्लस 2 ही आएगा, और नीचे हमारे पास आएगा अंडर रूट 7 माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2। ए माइनस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, तो यहाँ करेंगे हम अंडर रूट 7 का स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वेयर,
ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज़ करते आए थे वैसे ही किया हमने, और ऊपर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 ही लिख देंगे, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन, देखो स्क्वेयर के कारण अंडर रूट का साइन कट गया था तो हमारे पास आएगा 7 माइनस 2, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 7 में से 2 गया तो 5, ये हमारा आंसर आता है। ओके, आप लोगों की एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।